वेलकम फ्रेंड्स टू बॉन्ग पंजाबीज़। आज का वीडियो है बहुत स्पेशल क्योंकि मैंने अपने लिविंग रूम में किए हैं कुछ चेंजेस स्पेशली फॉर दिस दिवाली सीजन। तो चलिए देख लेते हैं। तो मैंने कुछ यूज़ किए हैं कुशन कवर्स ने। इन सब कुशन कवर्स का रिव्यू एंड लिंक मैंने अपने पिछले हॉल वीडियोज़ में शेयर किया हुआ है। अगर आपको मेरे लिविंग रूम का इससे पहले का लुक देखना है तो आई विल शेयर द लिंक ऑफ माई लिविंग रूम टूर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ टू चेक इट आउट। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एक अपना बनारसी दुपट्टा टू गिव द फेस्टिव लुक टू माय सीटिंग एरिया, माय काउच। तो इस तरीके का कुछ लग रहा है अब मेरा सोफ़ा विद दिस बनारसी दुपट्टा। इट्स गिविंग अ नाइस फेस्टिव फीलिंग टू द होल एरिया। लेट्स चेंज द डेकोर ऑफ द कॉफ़ी टेबल ऑल्सो। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है एक फेस्टिव लुकिंग टेबल रनर। नाउ लेट्स ऐड सम डेकोरेटिव आइटम्स ऑन द टेबल। दिस कंप्लीट्स द लुक ऑफ माय कॉफी टेबल। टीवी कंसोल यूनिट को भी थोड़ा सा डेकोरेट किया जाए। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है एक ग्लास बोल और उसमें मैंने डाले हैं कुछ LED फ्लावर्स। इन सब का लिंक मैंने अपने पुराने हॉल वीडियोस में शेयर किया हुआ है। इट लुक्स वेरी फेस्टिव। अब मैं ऐड कर रही हूँ आर्टिफिशियल मैरीगोल्ड फ्लावर गार्लैंड। ये अमेजोन पे बहुत ईजिली अवेलेबल है एंड गिव्स अ वेरी फेस्टिव लुक टू अ होल प्लेस। I've got this beautiful lantern from Banjara Market. वहाँ पे ऐसे lanterns की भरमार है। You can check it out in my last video of Banjara Market tour. I've added these spotlights to my living room and dining room space recently. बहुत ही अच्छा look create हो जाता है इन lights से। This is a new carpet I purchased from Amazon. बहुत ही सुंदर है देखने में and quality is also very good. And I think it completes the entire look of my living room area. So this is the entire look of my seating arrangement of the living room area. One more change I have made to my living room area since the last living room tour is addition of these wall shelves. आप किसी भी एरिया में वॉल शेल्स लगाइए और उस पर डेकोरेटिव आइटम्स रखिए, उस एरिया का लुक पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। एंड आई हैव रियलाइज दैट बाई एडिशन ऑफ दीज वॉल शेल्स एंड डेकोरेटिव आइटम्स। आप यहाँ पर जो भी डेकोरेटिव आइटम्स देख रहे हैं इन सब का लिंक मैंने अपने पुराने हॉल वीडियोज़ में शेयर किया हुआ है। आई शेयर द लिंक ऑफ दोज वीडियोज़ इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन चेक आउट द प्रोडक्ट्स इफ़ यू लाइक। I've added these two beautiful planters on the side of my TV unit. So this is how my TV unit area looks now. You can compare it with my earlier videos when it was a plain wall with only the wallpaper behind.
have also recently added a new layer of sheer curtains to my already existing blackout curtains. It lifts up the entire area और बहुत ही सुंदर look create करता है मेरे dining area का. अगर आपको detail में मेरे dining table arrangement का video checkout करना है तो I'll share the link in the description box. तो कुछ इस तरीके का लगता है मेरा dining table area. यहाँ पर मैंने ऐड किया है ये हैंगिंग पेंडेंट लाइट्स जो कि मैंने बंजारा मार्केट से परचेज किया है. आई हैव ऑल्सो एडेड दिस फेस्टिव स्टार लाइट्स इन माई बालकनी. दीज हैव गॉट फ्रॉम Amazon. तो फ्रेंड्स, ये है मेरा मंदिर एरिया. यहाँ पर मैंने लिविंग रूम के राइट साइड में ही क्रिएट किया है अपना मंदिर. This is the console table on the right side of the mandir and my kitchen area. यहाँ पर जो आप मिरर देख रहे हैं ये मैंने बंजारा मार्केट से परचेज किया है. तो ये है मेरा क्रॉकरी यूनिट जो कि लिविंग एंड डाइनिंग रूम में ही मैंने बनवाया है फ्रॉम माय कारपेंटर. इसका पूरा डिटेल टूर आपको अगर देखना है तो वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है. आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगेन. आई हैव डेकोरेटेड द गैलरी वॉल ऑफ माय लिविंग रूम with some paintings and some artificial plants. यहाँ मैंने use किए हैं कुछ artificial plants as यहाँ पे sunlight थोड़ी कम आती है. I've hang these in these macrame plant holders. ये मैंने खुद ही बनाया है, very easy to make. So friends, this was the entire living room and dining room tour of my house. आपको ये changes कैसे लगे हैं वो ज़रूर मुझे comment section में comment करके बताइएगा. अगर आपको ये video अच्छी लगी हो तो please do like this video. If you are new to my channel, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon for all notifications. तो friends, मिलते हैं अपने next video में. Till then, take care, stay safe and stay happy. Bye bye.